वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 3 अगस्त 2022, और 3 अगस्त 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्कशन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन, क्योंकि ये साथ साथ में आपको ये भी बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में आपको रिवाइज भी होता जाएगा। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेरमी लालरुंगा ने पुरुषों की 67 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारोत्तोलक अंचिता सुली ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने भी स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस देश ने महिला यूरो चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है इंग्लैंड ने। किसने जीती है? किस देश ने महिला यूरो चैंपियनशिप जीती है? इंग्लैंड ने जीती है। अगला देखो, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं, तो ये बने हैं संजय अरोड़ा। कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। हाल ही में कौन सा शहर 2024 में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? ये करेगा पेरिस। कौन करेगा? पेरिस। हाल में विधानसभा बैठकों के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है केरल। कौन सा राज्य रहा है? केरल राज्य। हाल ही में किसने मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये किया है अमित शाह ने। किसने किया है? अमित शाह के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये हमारा यश डिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो लाइक शेयर करते रहना वीडियो को साथ साथ में। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अब आपको मैं पूरी डिटेल इनके बारे में अच्छी तरह से बता देता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने चौथा मेडल जीत लिया है। अब इसने क्या है, चौथा मेडल जीत लिया है। और अभी आपको बता दें, अभी टोटल भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, और ये कल है जो पांचवा, कल मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। तो अभी चौथा तो इसने जीत लिया, और अभी टोटल भारत ने क्या है, 5 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, ध्यान रखना। ये पाँचवें दिन भारतीय महिला लॉन बॉल्स के फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के 92 साल के इतिहास में ये पहला मौका जब भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कोई पदक जीता है। तो इन्होंने क्या है, इससे पहले कोई पदक नहीं जीता। इन्होंने अभी 92 साल के इतिहास में ये पहला मौका इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का इनको मिला है। तो ये ध्यान रखना, अभी इन्होंने चौथा ये गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, और अभी टोटल ध्यान रखना 5 हो चुके हैं भारत के, वो जो है पाँचवा है, वो कल मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। अगला देखो, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वेट लिफ्टिंग में हरजिंदर कौर ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वेट लिफ्टिंग में हरजिंदर कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, इसने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखना। कौन सा जीता है? कांस्य पदक। देखो मुख्य तथ्य, बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने 71 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने कुल 212 किलोग्राम वजन उठाकर देश को 9वां पदक दिलाया है। कौन सा पदक दिलाया है? देश को 9वां पदक दिलाया है। उन्होंने 2021 राष्ट्रमंडल सीनियर चैंपियनशिप रजत पदक जीता है। तो ध्यान रखना, इन्होंने 2021 में क्या है, राष्ट्रमंडल सीनियर चैंपियनशिप में इसने क्या है, रजत पदक जीता था। तो ध्यान रखना, इसने 9वां पदक दिलाया। अब टोटल ध्यान रखना, भारत ने 12 पदक जीत लिए हैं, ध्यान रखना। ये कितने जीत लिए हैं? टोटल अब 12 पदक जीत लिए हैं। कल मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, इनके ध्यान रखना अच्छी तरह से। अगला देखो, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022
जूडो में सुशीला देवी लिकमा बाम ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जूडो में सुशीला देवी लिकमा बाम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने भी कौन सा पदक जीता है, ध्यान रखना, रजत पदक। कौन सा पदक जीता इसने? रजत पदक है जीता है। देखो मुख्य तथ्य, भारत की जुडोका सुशीला देवी लिकमा बाम ने जूडो के महिला वर्ग में 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। फाइनल में सुशीला को दक्षिण अफ्रीका की मिकेला वहीट बॉय ने हरा दिया, यानी कि फाइनल में सुशीला को दक्षिण अफ्रीका की मिकेला वहीट बॉय ने हरा दिया। इस वजह से इसने क्या है कि रजत पदक इसने हासिल किया है, किसने? सुशीला देवी ने। अब इनका पदक आप एक एक अलग से इनकी लिस्ट बना लेना, अच्छे तरह से लिस्ट बना के आप उनके अलग अलग से लिख लेना भी किसने कांस्य पदक जीता है, किसने रजत पदक जीता है, किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो इनकी अलग से लिस्ट बना लेना। आने वाला एग्ज़ाम यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अभी देखो ये फिर क्वेश्चन आ चुका है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जूडो में विजय कुमार ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जूडो में विजय कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने भी कांस्य पदक है जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। देखो मुख्य तथ्य, भारत के विजय कुमार यादव ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 60 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 2019 में हांगकांग में एशियाई ओपन में कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो ये ध्यान रखना, 2019 में इन्होंने कांस्य पदक जीता एशियाई ओपन में, और अभी इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में क्या है 60 किलो वर्ग में क्या है कांस्य पदक जीत लिया, किसने? विजय कुमार यादव ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है? ये दिया गया, ध्यान रखना, गन हिल। क्या नाम दिया गया है? गन हिल इसको नाम है दिया गया है। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास में पॉइंट 5140 को गन हिल नाम है दिया गया है। तो ये खास आपके लिए क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। अगला देखो, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है 1 अगस्त को। कब मनाया गया ये? 1 अगस्त को। अब देखो मुख्य तथ्य, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में 1 अगस्त को मनाया जाता है। 3 तलाक कानून के लागू होने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 3 तलाक आपको पता ही है, 3 तलाक कानून के लागू होने के उपलक्ष्य में क्या है 1 अगस्त को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। हालांकि 2019 में भारत सरकार ने इस कानून को क्या है निरस्त कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भी, अब आपको क्या 2019 में भी भारत सरकार ने इस कानून को निरस्त कर दिया, यानी कि इसको बंद कर दिया, और 1 अगस्त को क्या है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस बनाया जाता है। हाल ही में सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में कितने नए जिलों की घोषणा की है? अब आपको पता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने क्या है अभी पश्चिम बंगाल राज्य में क्या है नए जिलों की घोषणा कर दी है। तो कितने नए जिलों की घोषणा करी है? तो 7 नए जिलों की घोषणा कर दी है। कितने जिलों की? 7 नए जिलों की। देखो मुख्य तथ्य, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए राज्य में 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। इससे पहले बंगाल में 23 जिले थे, अब इनको बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, तो अब इनके 7 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी, तो टोटल अब इसमें 30 जिले हो चुके हैं। अब ये कौन कौन से हैं थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, सुंदरबन, इछेमती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर, और एक और ज़िले का नाम है बशीरहाट में रखा जाएगा। तो ये है, ध्यान रखना, 7 जिले इनका, अभी 7 जिला इनको बनाया जाएगा। अगला देखो, हाल में किस देश के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रांग वर्ष 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्टिक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है, ध्यान रखना, कनाडा के। किस देश के हैं? कनाडा देश के एक विद्वान है जेफरी आर्मस्ट्रांग, इनको 2021 के लिए किया है विशिष्ट इंडोलॉजिस्टिक के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। देखो मुख्य तथ्य,
कनाडाई विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रांग को 2021 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रतिष्ठित इंडो लॉजिस्टिक से सम्मानित किया गया है। जेफरी आर्मस्ट्रांग को वैंकूवर में भारत के वाणिज्यिक दूत मनीष द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो भारत के वाणिज्यिक दूत हैं मनीष द्वारा इनको क्या है पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर बना है। औरंगाबाद। कौन सा शहर बना है? औरंगाबाद ध्यान रखना पड़ता है महाराष्ट्र में। किस राज्य में पड़ता है ये? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है औरंगाबाद। और अभी इसको गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर ये बन गया है। देखो मुख्य तथ्य, हाल ही में गूगल ने प्रसिद्ध किए एनवायरमेंट इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा में औरंगाबाद ने प्रथम स्थान पाया है। नई दिल्ली में संपन्न हुए कार्यक्रम में औरंगाबाद का यातायात डेटा सार्वजनिक रूप से इसको लॉन्च किया गया था। डेटा लॉन्च इवेंट नई दिल्ली में संजय गुप्ता कंट्री हेड गूगल इंडिया की अध्यक्षता में इनको आयोजित किया गया है। तो ये ध्यान रखना, अभी क्या है गूगल ने प्रसिद्ध किए कि एनवायरमेंट इनसाइट एक्सप्लोरर डेटा में औरंगाबाद ने क्या है प्रथम स्थान पाया है। अगला देखो, हाल ही में किसने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सत्येंद्र प्रकाश ने। किसने किया है? सत्येंद्र प्रकाश ने ये महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश को पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसका? पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी एवं केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश है जो जयदीप भटनागर की जगह है ये इनका स्थान लेंगे। और प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? जून 1919 में। क्या है? प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना हुई थी ये ध्यान रखना, जून 1919 में। और अब एक नए महानिदेशक नियुक्त किया जा चुका है। किसको? सत्येंद्र प्रकाश को। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? ये की है तमिलनाडु ने। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए, शानदार से शानदार आपको क्लासें मिलती रहेगी लगातार आपको। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, केरल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी PDF नहीं खरीदी है, और ये ध्यान रखना जुलाई मंथ की PDF तैयार हो चुकी है राजस्थान और इंडिया दोनों की ही। यह ध्यान रखना राजस्थान और इंडिया जुलाई करंट अफेयर्स 2022 की PDF तैयार हो चुकी है। जो भी विद्यार्थी लेना चाहे 8239355343 ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। PDF आपको WhatsApp के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये जुलाई मंथ की तैयार हो चुकी है, कोई भी PDF लेना चाहे तो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके WhatsApp के माध्यम से ले सकता है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लगातार आप मेरी निरंतर इस क्लास के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।